हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग वेल। तो अब तक के हमारे वीडियो में हमने सीखा कि इंट्रोडक्शन, अप्रोच, ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट, सॉफ्टवेयर टीबी, रीएलोकेशन फ्रॉम नॉमिनल लेजर हो चाहे मैनुअल हो या एनी सॉफ्टवेयर में से रीएलोकेशन का हमने सीखा। जर्नल्स 53 कैप्सूल्स के हिसाब से हमने एक जनरल सीखा। एक्सटेंडेड टायर बैलेंस कैसे बनानी वो सीखा। FRS 105 का अप्रोच कैसे लेने का वो सीखा। तो आज के हमारे वीडियो में हम उसके सब के हिसाब से की पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स सीखेंगे। यानी हमारा अकाउंटेंट ने हमको जो फाइल भेजी है वो फाइल का अकाउंट्स हमको क्वालिटी के साथ क्लाइंट को वापस भेजना है, क्योंकि वो क्लाइंट रिव्यू करने के बाद हमको मोर फाइल्स दे और मोर रेफरेंस दे। तो हमारा अकाउंट्स क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कंट्रोल अकाउंट यानी बैलेंस शीट आइटम, एमटीबी के बैलेंस शीट आइटम में जो भी कंट्रोल अकाउंट है वो सभी कंट्रोल अकाउंट्स के हमको 1-to-1 कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हैं और वो हमको ड्राफ्ट अकाउंट के लीड शेड्यूल के साथ मैच करना है। तो वो कंट्रोल अकाउंट्स बनाते के वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने के, यानी कौन कौन से पॉइंट्स हमको चेक करने हैं और उसमें क्या क्वालिटी देनी है वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम 1-to-1 कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। तो कंट्रोल अकाउंट्स में तीन टाइप के अप्रोच से होता है, पीटीबी अप्रोच, टीटीबी अप्रोच और मैनुअल अप्रोच। यानी आपको जो फाइल दी हुई है वो कौन से अप्रोच से आपको शुरू करनी है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आपको आपके सीनियर्स से बताना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसी हिसाब से आपको ईटीबी में डाल पीटीबी टीटीबी या मैनुअल है जो सॉफ्टवेयर टीबी डालना पड़ेगा और एडजस्टमेंट के बाद आपको कंट्रोल अकाउंट बनाना है। तो ये मैंने बनाया है सैंपल कंट्रोल अकाउंट्स। सपोज पीटीबी अप्रोच हमने लिया है तो क्वालिटी कैसे आती है? पीटीबी अप्रोच में ये कंट्रोल अकाउंट का सैंपल है, वहाँ वो बॉर्डर लाइन है और हेडिंग में टोटल है, वो सब सभी कंट्रोल अकाउंट में सेम ही होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया है तो बोल होना चाहिए, राइट, और फॉन्ट है तो फॉन्ट भी सेम होना चाहिए उस, और पेज सेटअप अगर क्लाइंट को आपने साथ एग्रीमेंट हुआ है तो पेज सेटअप भी होना चाहिए। तो सपोज ये पीटीबी अप्रोच हम लेते हैं तो सॉफ्टवेयर टीबी में से हम पहले लिखेंगे बैलेंस पर पीटीबी, पीटीबी का बैलेंस लिखेंगे। यहाँ मैंने बैलेंस निकाला है सपोज डेटर्स का, और बैलेंस पर पीटीबी में अगर डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट है तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट। उसके बाद ट्रेड डेटर्स का जो भी नॉमिनल कोड है वहां से हम लिंक के साथ ट्रेड डेटर्स लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे पीटीबी और वहां अमाउंट्स लिखेंगे। अगर हम बेड डेफ्ट का कुछ प्रोविजन है तो वह भी लिखेंगे और वो दोनों का टोटल मिला के हमारा आएगा वो बैलेंस पर पीटीबी अप्रोच आएगा। और अगर रीएलोकेशन कुछ हुआ है तो इंटर कंपनी बैलेंस रीएलोकेशन जो भी जनरल है वो हम रेफरेंस पे डालेंगे और उसकी अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद जो भी आता है वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस प्लस जो भी कंट्रोल अकाउंट के हिसाब से आता है उसका हमको डिटेल क्लोजिंग बैलेंस ब्रेकडाउन देना ही है। उससे क्लाइंट को पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस ब्रेकडाउन में हमने क्या क्या लिया है। तो यहाँ मैंने लिखा है क्लोजिंग ब्रेकडाउन यानी बैलेंस पर पीटीबी, ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट, रीएलोकेशन टू इंटर कंपनी बैलेंस, यानी कुछ इंटर कंपनी बैलेंस का अमाउंट डेटर्स में तो हम रीएलोकेशन करके इंटर कंपनी में ले जाएंगे और टोटल मिला के जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और उसके बाद डेटर्स और बेड डेब्ट्स की जो भी सॉफ्टवेयर टीबी है उसमें से आपको एक्सेल या पीडीएफ निकालनी है और वो कंट्रोल अकाउंट के सपोर्टिंग के लिए चिपकानी है। सपोज हमने स्ट्रेट डेटर्स लिया है तो उसका पेमेंट कब कब मिला है, कौन सा नहीं मिला है, कौन सा 90 डेज है, वो सब कंट्रोल अकाउंट में हमको बनाना है। ये तो मैंने सिर्फ सैंपल बताया कि ट्रेड डेटर्स के कंट्रोल अकाउंट में हम ऐसे बनाएंगे।
और ये दूसरा है टीटीबी अप्रोच। टीटीबी अप्रोच भी सेम है, लेकिन यहाँ हमारा आएगा ओपनिंग बैलेंस, राइट। ओपनिंग बैलेंस आएगा पर साइन अकाउंट आएगा, फिर बैलेंस पर टीटीबी मूवमेंट, यानी जो भी ट्रेड डेटर्स और बेड डेट्स के ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट आएगी वो नॉमिनल कोड के साथ हमको यहाँ लिखनी है और उसका टोटल मिलाएंगे। फिर रीएलोकेशन जो भी इंटर कंपनी का है और जो भी एडजस्टमेंट है वो हम जनरल में लिखेंगे। दोस्तों रेफरेंस आपको लिखना ही है, लिखना ही है, और जो भी आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आएगा और क्लोजिंग बैलेंस का हमको डिटेल्स, क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकडाउन देना है और उसका सपोर्टिंग आगे जैसे पीटीबी अप्रोच में दिया वैसा ही देना है। और ये मैंने दिखाया है ये मैनुअल फाइल अप्रोच, यानी हमारे पास सॉफ्टवेयर में प्रोसेस किया हुआ डेटा नहीं है, क्लाइंट ने पीडीएफ में डेटा भेजा हुआ है तो उसकी हम एक्सेल में समराइज करके हम निकालेंगे मूवमेंट। यानी पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस पर साइन अकाउंट, फिर ट्रेड डेटर्स पर कैश बुक या रेड बुक जो भी आता है, जो सेल्स आता है और जो वीएटी आता है, और दोनों मिला के जो होता है वो ट्रेड डेटर्स होता है, और अंडर ओवर और जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लिखेंगे रेफरेंस में और उसको मिला के हम क्लोजिंग बैलेंस लाएंगे और डिटेल्स क्लोजिंग ब्रेकडाउन और उसका हमको प्रूफ उसके साथ सब अकाउंट्स में देना है। यानी सपोर्टिंग, यानी सपोज हमने ट्रेड डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट्स का रेफरेंस दिया है J1, तो सपोर्टिंग में जो भी आएगा उसको हम देंगे J11 और सपोर्टिंग का इनवॉइस वगैरह होगा तो J12 वैसे हम देंगे और वो सब हम रेफरेंस में लिखेंगे, राइट। तो हमको क्या क्या की पॉइंट्स हमारे माइंड में रखने हैं, तो व्हाइल प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट्स नीड टू टेकन केयर बिलो पॉइंट्स सो दैट कंट्रोल अकाउंट्स लुक्स मोर इफेक्टिव। यानी आप मेरे दिए हुए पॉइंट्स पे आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका कंट्रोल अकाउंट्स मोर इफेक्टिव होगा। दिस कंट्रोल अकाउंट्स टू बी यूज इन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी ऑडिटर कंपनी अकाउंट्स। तो ये कंट्रोल अकाउंट्स आइदर वर्टिकल हो या वन बाय वन हो, ये सब कंपनीज में सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, लिमिटेड हो, ऑडिटेड हो, जो भी है सभी में ये कंट्रोल अकाउंट्स उसी टाइप से आप बनाएंगे तो क्वालिटी के साथ जाएगा। दूसरा है व्हाट इज कंट्रोल अकाउंट, तो अ कंट्रोल अकाउंट विल हेल्प आइडेंटिफाई व्हाट इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज आउट टू द बिजनेस एसेट्स एंड व्हाट द बिजनेस ऑफ लायबिलिटीज। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए समरी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन वेरियस सब्सिडरी लेजर। यानी जो भी आउटस्टैंडिंग है और सब्सिडरी लेजर का जो आउटस्टैंडिंग है वो सबका जो बैलेंस आता है वो कंट्रोल अकाउंट्स में आता है। तो नीड टू चेक बिलो पॉइंट्स इन ईच कंट्रोल अकाउंट सो दैट इट्स लुक्स इफेक्टिव। आपको मैंने बताए हुए पॉइंट्स यानी शॉर्टकट्स को आपको ध्यान में रखना है। वन है फॉन्ट्स नीड टू बी यूज कैलिब्री एंड साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 11। फॉर दैट यू कैन यूज सिलेक्ट कंट्रोल ए एंड देन सिलेक्ट ऑल्टर प्लस एच प्लस FF एंड सिलेक्ट फॉन्ट 11। यानी आपको आपका क्लाइंट्स का जो भी फॉन्ट आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो फॉन्ट लेने का, यहाँ मैंने सैंपल बताया कैलिब्री और 11 फॉन्ट्स लेने का सभी कंट्रोल अकाउंट्स में, और उसका जो शॉर्टकट से ऑल्टर प्लस एच प्लस FF वो है वो सिलेक्ट यूज करने का, वो मैंने शॉर्टकट बताया है। दूसरा है फॉर हाइपरलिंक यू कैन यूज कंट्रोल सी लाइन फॉर दैट यू वांट टू कॉपी एंड ऑल्टर EH वेर एवर यू पेस्ट द हाइपरलिंक। मोस्ट ऑफ द केस यू कैन यूज फॉर जनरल एंड रीएलोकेशन टैब एंड पेस्ट इन द कंट्रोल अकाउंट्स। यानी आपने जनरल बनाई है वहां से सपोज जनरल 7 लेना है तो वहां जनरल 7 में कंट्रोल सी लगाएंगे और जो भी कंट्रोल अकाउंट में ले जाना है वहां कंट्रोल EH लगाएंगे तो वो जनरल है वो वहां हाइपरलिंक के साथ दिखाई देगी, तो उसी तो वो हाइपरलिंक के हिसाब से अगर रिव्यूअर को रिव्यू करना है तो बहुत इजी हो जाएगा। यानी कंट्रोल अकाउंट में जो जो आइटम आएगी उस सब की आपको हाइपरलिंक देनी ही है। तीसरा चेक रीलोकेशन टैब एंड डबल चेक द रीएलोकेशन एक्सपेंस रीलोकेटेड टू करेक्ट अकाउंट। यानी आपने रीएलोकेशन दिया हुआ है तो रीएलोकेशन टैब में जाके जो भी कंट्रोल अकाउंट में जाता है वहां आपको रीएलोकेशन के साथ
जनरल पोस्ट है, और फोर्थ है गिव प्रॉपर रेफरेंसिंग फॉर जनरल इन कंट्रोल अकाउंट्स लाइक JNL 1 और JNL 10 एक्सेट्रा। यानी जो जनरल में से आपने रीएलोकेशन कंट्रोल अकाउंट में दिया है वो जनरल का नंबर आपको वहाँ कंट्रोल अकाउंट्स में लिखना है। फिफ्थ है देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन कंट्रोल अकाउंट्स, यू नीड टू स्पेल चेक, यूज F7 फॉर होल शीट फॉर स्पेलिंग चेक। यानी आपको कंट्रोल अकाउंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आनी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको शॉर्टकट F7 यूज़ करना है। ये आपको पूरे वर्किंग पेपर में यूज़ करना है सो देट आपका अकाउंट्स मोर क्वालिटी और इफेक्टिव जाए। सिक्स है मेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ क्लाइंट अटेंशन फॉर योर कंट्रोल अकाउंट्स वॉट एवर यू हैव डन एडजस्टेड। यानी कंट्रोल अकाउंट बनाते वक्त आपने जो भी एडजस्टमेंट बनाया है वो उसी टाइम आपको क्लाइंट के अटेंशन के लिए नोट्स में लिख ही देने का, और वहाँ जो भी है वो टैब या लिंक हाइपरलिंक वो भी जो भी देना है वो सब देने का। इन कंट्रोल अकाउंट्स नीड टू हाईलाइट इन नोट्स, प्लीज मेक केयर स्पेलिंग मिस्टेक फुल स्टॉप कोमा वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट्स। यानी क्लाइंट्स के लिए आप जो भी नोट्स लिखे वहाँ फुल स्टॉप कॉमा स्पेलिंग चेक और प्रॉपर नोट्स वहाँ लिखनी है जो भी कंट्रोल अकाउंट्स बनाते उसी कंट्रोल अकाउंट्स की। 7 नीड टू प्रिपेयर सपोर्टिंग कंट्रोल अकाउंट्स एंड प्रूफ ऑफ मेन कंट्रोल अकाउंट्स लाइक अबव केस एज डेटर्स लिस्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर बेटअप प्रोविजन लेजर फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड पेस्ट इन एडिशनल कंट्रोल अकाउंट्स। यानी आगे मैंने सिखाया है ना, यानी सपोर्टिंग हमको सब जो भी कंट्रोल अकाउंट है उसको हमको चाहिए, अगर नहीं है तो हमको क्वेरी बना के क्लाइंट को फर्स्ट ड्राफ्ट क्वेरी भेजनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 नीड टू रिमूव गाइडलाइंस फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट फॉर देट यू कैन यूज ऑल्टर प्लस W+VG। यानी पूरे कंट्रोल अकाउंट में जो ग्रिड लाइन है वो सिलेक्ट ऑल करके भी आप निकाल सकते हो, ये शॉर्टकट मैंने दिया हुआ है। 9 यूज प्रॉपर फ्रिज पेंस इन कंट्रोल अकाउंट्स फॉर दैट यू यूज ऑल्टर WFF। यानी जो टाइटल होता है वहाँ से आपको फ्रिज पेंस करना है तो वो टाइटल आपको 1x1 क्लाइंट्स को दिख सकता है, इसीलिए आपको वो यूज करना है शॉर्टकट्स। 10th डेट टू बी एंटर्ड एंड DDMM YY फॉर्मेट सो देट यू कैन यूज Shift Ctrl F3। यानी सभी कंट्रोल अकाउंट्स में अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स है तो आपको सेम फॉर्मेट्स में करना है, और इसके लिए आपको Shift Ctrl और F और 3 के शॉर्टकट से आपको वो करना है, राइट। डेट टू बी यूज इन सेंटर फॉर देट यू कैन यूज ऑल्टर +H+AC। यानी डेट सेंटर में होनी चाहिए। 12th है नीड टू चेक देर इज नो अननेसेसरी लिंक फाउंड इन कंट्रोल अकाउंट्स फ्रॉम एनी अदर स्प्रेडशीट फॉर देट यू कैन यूज ऑल्टर +AK। यानी को आपके पास कोई दूसरी कंट्रोल अकाउंट्स की या दूसरे अकाउंट्स की अननेसेसरी लिंक आ गई है तो आप ये शॉर्टकट ऑल्टर ए के से चेक कर सकते हैं और आपको वो उसको रिमूव करना है, राइट। हेडर एंड टोटल लाइंस टू बी यूज सेम इन ऑल कंट्रोल अकाउंट्स फॉर देट यू कैन यूज ऑल्टर +H+B सिलेक्ट यू डिसाइड रोज। यानी कंट्रोल अकाउंट का अपर लाइन और टोटल लाइंस सेम होना चाहिए, उसके लिए आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सो अबव पॉइंट इज नीड टू टेकन एक्स्ट्रा केयर सो दैट कंट्रोल अकाउंट्स लुक्स मोर इफेक्टिव। यानी जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो उस पर आप एक्स्ट्रा टेकन केयर करेंगे तो आपके कंट्रोल अकाउंट्स मोर इफेक्टिव होंगे और आपको और क्लाइंट से वर्क मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न कंट्रोल अकाउंट इनटेंजिबल एसेट्स। तो हो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल अकाउंट इनटेंजिबल हिसाब से हम यूज करेंगे यानी देखेंगे। दोस्तों आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा सो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसको आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। तो यही मैं आपको बताने वाला था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। न हो मंजिल साफ
तो मार्ग जड़तो नथी, न होय मंजिल साफ तो मार्ग जड़तो नथी, अने अड़ग मनना मुसाफिर ने हिमालय पण नड़तो नथी। थैंक यू दोस्तों, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।